संभल में प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया है। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ दो दिन के अंदर कार्यवाही न करने पर अभिभावकों ने तहसील प्रशासन को आमरण अनशन का अल्टीमेटम दिया है। नाराज अभिभावकों का कहना है कि कमीशन खोरी के चलते प्राइवेट स्कूलों के संचालक स्कूलों में NCERT के कोर्स की जगह प्राइवेट पब्लिशर्स के महंगे कोर्स खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। यही नहीं, हर साल की तरह इस साल भी फीस में भारी बढ़ोतरी की गई है। बिल्डिंग फंड के नाम पर अभिभावकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। अभिभावकों का आरोप है कि तमाम शिकायतों के बाद भी प्रशासन मनमानी करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। मैं एक अभिभावक हूँ और शिक्षा का व्यापारीकरण चल रहा है और एक मकड़ी जाल स्कूल ड्रेस और किताबों को लेकर चल रहा है, इससे हम निजात पाना चाहते हैं। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद हो, हमारी नरेंद्र मोदी से यही मांग है।